15 जून 2020 को सूर्य ग्रहण से पहले सूर्य देवता करेंगे बड़ा राशि परिवर्तन। इन 6 राशियों पर होंगे खुश प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण, खूब लुटाएंगे रुपया पैसा धन दौलत समृद्धि। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य देवता राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में सूर्य देवता वृषभ राशि में चल रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। वहीं 15 जून 2020 को सुबह 6:45 से सूर्य देवता मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि है और इस राशि में जाने के कारण सूर्य देवता इन 6 राशियों को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है। इस पृथ्वी पे साक्षात देवता के रूप में माने जाने वाले भगवान सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्यदेव प्रत्येक 1 माह में राशि परिवर्तित कर लेते हैं और इस बार एक अद्भुत संयोग बन रहा है सूर्य ग्रहण का, जो कि कई वर्षों के बाद में चूड़ामणि सूर्य ग्रहण हो रहा है और यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को होगा। इसके पहले सूर्य देवता वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यही मिथुन राशि है जिसमें सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण के पहले सूर्य देवता का राशि परिवर्तन करना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। नवग्रहों में सूर्य देवता को राजा माना गया है और सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होते हैं, वहीं तुला राशि में सूर्य देव नीच के माने जाते हैं। सूर्य देवता बुध के साथ मिलकर ही बुधादित्य योग निर्मित करते हैं और उस बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करना एक अद्भुत और बड़ा संयोग मान सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की प्रबल स्थिति है तो निश्चित तौर से आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। और सूर्य देव यदि आपकी कुंडली में मित्र क्षेत्री है, स्व राशि के हैं या उच्च के हैं या फिर केंद्र स्थान में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से सूर्य देवता एक बड़ा लाभ आपको देने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य देवता का जो राशि परिवर्तन है वह इन 6 राशियों के लिए सबसे अधिक सुफलदायी साबित होगा। ये जो 6 राशियां हैं वो चंद्र राशि के अनुसार मानना चाहिए, यानी वर्तमान समय में आपका जो नाम चल रहा है उसके नाम से जो राशि बनती है वही राशि आपको देखना चाहिए, क्योंकि गोचर ग्रह में वही राशि देखी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेष राशि वालों को मिला जुला परिणाम प्रदान करेगा। ऐसे में यह गोचर इनके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा और आत्मबल मजबूत होगा। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है जिस कारण आपको कार्यक्षेत्र पर भी असर देखने को मिलेगा, इसलिए अपने स्वभाव को सौम्यता बनाए रखने का प्रयास करें और इस गोचर के दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी थोड़ी बहुत नकारात्मक छवि भी बन सकती है, इसलिए सावधान रहे और अपनी छवि को अच्छी बनाने का प्रयास करें। छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पिता से आपके वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं और उपाय के रूप में रविवार के दिन यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी सुफलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी आमदनी अच्छी होने की संभावना है। आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य का यह गोचर थोड़ा कमजोर साबित होगा, अतः इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि इस गोचर काल में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। परिवार में किसी प्रकार के वाद विवाद की संभावनाएं भी निर्मित हो सकती है और उपाय के रूप में छोटी कन्याओं को यदि आप कोई भी कापी पेन या पुस्तक का दान करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे तो यह गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के स्वभाव में आक्रामकता आ सकती है जिसका विपरीत प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान जहां एक तरफ आपके पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, वहीं आप वैचारिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न
उत्पन्न हो सकती है। अतः अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य का यह गोचर थोड़ा बहुत कमजोर साबित होगा और आपको हल्का बुखार या फिर सर दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उपाय के रूप में गाय को यदि आप मसूर की दाल रविवार के दिन खिलाएंगे तो यह गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को विदेश यात्रा से सुख प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विशेष रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। इस दौरान यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में होगा, यानी शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होने वाली है। आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप व्यापारी है तो इस दौरान आपको विदेश से लाभ प्राप्त होने वाला है और जीवन साथी की सेहत को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उनको कच्चा दूध और बिल पत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्यदेव है और सिंह राशि वालों के लिए यह स्थिति लाभदायक साबित होने वाली है। समाज में उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और दोस्तों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। दोस्तों और पार्टनर के साथ भरपूर साथ मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। नई नौकरी आपको मिल सकती है। अचानक शासकीय क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पदोन्नति का योग भी आपको बन सकता है और प्रेम जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो भी लगभग समाप्त हो जाएगी। उपाय के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके निकलते हैं तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में फायदा होगा। पदोन्नति की अच्छी संभावनाएं बन रही है। कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी मेहनत की सराहना होगी। किसी विदेशी स्रोत से आपको लाभ होगा। परिवार में किसी बात को लेकर अशांति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है और यदि इस दौरान विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनको फायदा हो सकता है और आपके परिश्रम का आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक दिन एक तांबे के लोटे में भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका यह गोचर शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आर्थिक स्तर पर तुला राशि वालों को बड़े फायदे मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी और अनजान स्रोतों से लाभ की संभावना है। यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। कार्यक्षेत्र में सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके उच्च अधिकारी या घर के बड़े बुजुर्ग आपकी तारीफ करेंगे और आपके साथ जो व्यक्ति काम करता है वह भी आपके काम को सराहेगा। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कोई विशेष तोहफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय के रूप में प्रत्येक रविवार के दिन एक लाल फूल यदि आप मां दुर्गा को चढ़ाएंगे तो यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा कमजोर साबित होगा। सेहत के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बोलचाल में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में आपको नहीं पड़ना चाहिए। किसी अनजाने व्यक्ति के विवाद में आपको बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। किसी अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ेगा लेकिन ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी और सूर्य के इस गोचर के प्रभाव के कारण आपके कार्यक्षेत्र में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा लेकिन अंततोगत्वा आपके प्रयास सफल हो जाएंगे तथा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा को
मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको या आपके जीवन साथी की उन्नति होगी, लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। सामाजिक रूप से भी आपकी छवि अच्छी उभरेगी तथा आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा और आपकी छवि में सुधार होगा। उच्चाधिकारी राजनेताओं से आपका संपर्क होगा तथा उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा और यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ फलदायी साबित होगा। और स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। एक ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे जिसके कारण आपको अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। और प्रत्येक दिन जल में लाल कुमकुम डाल करके भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे, सफलता मिलेगी और पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी तथा कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह उत्तम समय रहेगा। इस दौरान आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय श्री प्राप्त होने वाली है और आपके घर परिवार के लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। विशेष मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कामकाज के लिए यह समय उपयुक्त साबित होगा। इस दौरान आपको किसी भी काम करने में, मेहनत करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ और रोटी प्रतिदिन खिलाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले अपने अहंकार पर काबू रखें और इस गोचर के दौरान आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन साथी को लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति का योग बन रहा है। इसके अलावा स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है और आपको एक नई नौकरी, नया रोजगार मिलने का उत्तम योग यह गोचर बना सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति का समाचार आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान यदि आप मंदिर में करेंगे या ब्राह्मण को करेंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस समय आप परेशान हो सकते हैं और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस दौरान आपके अहंकार में वृद्धि होगी लेकिन आप उससे बाहर निकलने में कामयाब होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद को संभालने में आप कामयाब रहेंगे। उपाय के रूप में रविवार के दिन लाल कपड़े में थोड़े से गेहूं रख करके यदि आप शिव के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। यह गोचर का जो परिणाम है ठीक एक माह के लिए आपके लिए रहेगा और 16 जुलाई 2020 को सूर्य देवता जब राशि परिवर्तित करेंगे तो उसके अलग फल तथा परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। यह परिणाम आपको 16 जुलाई तक के लिए है और यह सूर्य का गोचर एक माह के लिए रहने वाला है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।